दूध तो हम सभी के घर में आता है, पर क्या आप दूध की पूरी कीमत वसूल कर पाते हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दूध की मलाई से घी, मावा और मिठाई बनाकर आप उसकी पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं। तो मेरी प्रिय सहेलियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरी एक हफ्ते की मलाई हो गई है और अब मैं इससे घी निकालना बताऊंगी आपको। मैं हर हफ्ते मलाई से घी निकाल लेती हूँ। इस मलाई से हम घी तो निकालेंगे ही, साथ में इसके बचे हुए मावे से मिठाई भी बनाना बताएंगे। तो इस तरह से एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब मैं मलाई को कढ़ाई में निकाल लेती हूँ और इसको छोटी गैस पर रखती हूँ। छोटी गैस पर मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उसे हमें बार बार चलाना नहीं पड़ेगा लगातार। उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और अपने बाकी के काम निपटा सकते हैं। अब इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसे हमें नॉनस्टॉप चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई को गैस पर रख दिया है मैंने। उबाल आने के बाद इसे हर दो मिनट में चम्मच से चलाते रहें और इसको चम्मच को नीचे की तरफ कढ़ाई में ले जाते हुए चलाएं, जिससे तली में लगे ना। ये मलाई देखो अब गाढ़ी होने लगी है और धीरे धीरे घी को भी छोड़ने लगी है। मलाई से घी निकलने लगा है और अब हमें इसे जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि अगर ये जल जाएगी मलाई तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और अभी हमें इसे मिठाई भी बनानी है तो मिठाई का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ये जब घी निकलने लगता है तो ये इसके छींटे आने लगते हैं, तो इसके लिए आप एप्रॉन पहन के रखें ताकि आपके कपड़ों पर इसके छींटे ना आए। ये देखिए मलाई में से मावा अलग हो गया है और घी अलग हो गया है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। हमें इसको इतना ही पकाना है। इसका कलर देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी मिठाई का कलर और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसे छान लेती हूँ, थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद इसे छानूंगी। घी थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे छान लेती हूँ। अब मैं जिस बाउल में घी को निकालूंगी उस बाउल का वेट करके आपको दिखा रही हूँ। इसका वेट लगभग 94 ग्राम है। ये बाउल लिया हुआ है और इसमें छन्नी रखकर इसको छानूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा पुश करके इसका सारा घी निकाल लूंगी मैं। अब ये देखो दबाने से घी निकल रहा है, ऐसे हम इसका सारा घी निकाल लेंगे। हमारा घी निकल के तैयार हो गया है और देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए लगभग 300 ग्राम घी निकला है, देखने में भी कितना एकदम प्योर और अच्छा लग रहा है। ये एकदम शुद्ध देसी घी तैयार हुआ है। जब हम बाजार से घी लेकर आते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो हमारे मन में एक डर रहता है कि इसमें मिलावट ना हो, लेकिन ये हमने घर में ही तैयार किया है तो इसे हम टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं। एक हफ्ते के दूध में हमने कितने सारे काम कर लिए। हम लोगों ने दूध भी पी लिया, घी भी निकाल लिया इसमें से, और अब इसकी मलाई से इस जो मावा बना है उससे हम लोग मिठाई बनाएंगे। घी निकालने के बाद बचे हुए मावे से मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, उसी कढ़ाई को, और अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। इसको थोड़ा गर्म होने देती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 कप से थोड़ा कम दूध डालूंगी। दूध थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। दूध गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1/3 कप से थोड़ा कम चीनी डाल रही हूँ। अब हम इसे चीनी मेल्ट होने तक ऐसे ही पकाएंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें मावा डालेंगे। ये देखिए चीनी बिल्कुल घुल गई है और अब मैं इसमें मावा डाल देती हूँ। अब हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाएंगे जिससे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब मैं टेस्ट और खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम लिया है ड्राई फ्रूट्स में, आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और थिक करेंगे और उसके बाद हम इसे प्लेट में या ट्रे में निकालेंगे। ये मावा बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी थिक हो गया है और अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। पैन को भी छोड़ रहा है, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ट्रे में निकाल लेती हूँ। मैंने इसे चम्मच की मदद से सेट कर लिया है और अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको कट करेंगे। बर्फी ठंडी हो गई है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए इतनी सॉफ्ट है और ये एकदम आराम से कट रही है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने 7 दिन की मलाई ली है, ये 7 लीटर टोंड और 7 लीटर फुल क्रीम दूध की है।
जिसकी कीमत 700 रुपये है और ये दूध मदर डेरी का है। 700 रुपये के दूध में हमने 300 ग्राम घी निकाला है जिसकी कीमत 800 रुपये के हिसाब से 240 रुपये होती है और इसमें 300 ग्राम मावा बर्फी बनी है जिसकी कीमत 500 रुपये के हिसाब से 150 रुपये होती है। तो घी और मिठाई का टोटल होता है 390 रुपये। तो हो गई ना दूध की पूरी कीमत वसूल। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मैंने इसे स्क्वायर शेप में काटा है, आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देती हूँ। तो देखा आपने मैंने कितनी जल्दी मलाई से घी और मावा और मावे से मिठाई तैयार कर ली और ये मिठाई यानी मावा बर्फी कितनी सुंदर टेस्टी और यम्मी लग रही है। अब बताइए हो गई ना पूरी कीमत वसूल। दूध के साथ आपको घी और मिठाई बिल्कुल फ्री मिल गई। घी भी हमें एकदम प्योर मिल गया और मिठाई भी इतनी टेस्टी कि अगर एक बार खाएंगे तो बाजार की मिठाई भूल जाएंगे। अगर आपने मेरी बनाना कस्टर्ड बर्फी की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। दूध से घी मावा और मिठाई की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मैं आगे आपके लिए क्या बनाऊँ। धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ।